गाइस ये है किशन कैटरेस, ये रायगढ़पुरा के अंदर है। यार गाइस जो बात है ना, यहाँ पे पर्स एक से एक है। अभी क्रिश के लिए ये वाला स्वेटशर्ट सिलेक्ट कर लिया। हेलो गाइस, वेलकम हो चुका है आपका आरजे के एक्सप्लोरर वीडियो में। सो गाइस, जैसे कि आप जानते होंगे आपके भाई का नाम है राहुल। और गाइस आपको तो पता ही है, आजकल आपके भाई का शेड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा है क्योंकि शादियां चल रही है, तो उनके लिए ड्रेस वगैरह सिलेक्ट करनी पड़ रही है बार बार, कभी कोई कभी कोई। और कल आपने ब्लॉग देखा होगा, पटेल नगर गया था, मेरे तो दो सूट तैयार हो चुके हैं, सिलेक्ट कर लिया मैंने। और क्रिश की ज्योमेट्री बॉक्स भी मिल गई। और क्रिश है ना, पता क्या, क्रिश बहुत ज्यादा खुश हो गया, उसकी ज्योमेट्री बॉक्स मिल गई यार। काफी दिन से ढूंढ रहे थे करोल बाग में, यहाँ पे तो मिली नहीं और पटेल नगर में मिल गई, तो वो है ना काफी ज्यादा एक्साइटेड था ज्योमेट्री बॉक्स लेने के लिए और काफी खुश हो गया जब उसको ज्योमेट्री बॉक्स मिल गई। गाइस कर रही है दोपहर के लंच की तैयारी। क्या बना रहे हो आज ज्योति जी? आज बनेगा आलू का साग। आलू का साग? हाँ। ये अपने आलू कट चुके हैं और ये प्याज और ये टमाटर, और ज्योति करेगी अब दोपहर के लंच की तैयारी। इस क्रिश का भी स्कूल का टाइम हो चुका है और मैं इतने ना क्रिश को ले आता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। क्रिश भी अब स्कूल से आ चुका है। तो तेरा फ्रेंड क्या कह रहा था कि डील कर ले, अपनी ज्योमेट्री मुझे दे दे और मेरी तू ले ले। हाँ, अच्छा तूने मना कर दिया। तो गाइस अपना आ चुका है अब ये लंच दोपहर का। और आज ज्योति जी ने क्या बनाया लंच के अंदर, ये आलू साग की सब्जी बनाई है और काली दाल। और ये यार ये मेरा ना फेवरेट है, ये मैं बाहर से लेके खाता हूँ छोले। और आपको मतलब हमारे यहाँ तो छोले कहते हैं और आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं। और मेरे पता है क्या, मामा जी के यहाँ जैसे बुलंदशहर में आपको पता ही है मेरा मामा का घर है, वहाँ तो मटरा बोलते हैं इसको यूपी साइड में, और अपने दिल्ली में तो छोले बोलते हैं। और ये भी आ चुका है अपना रायता, बूंदी का रायता, ये मेरा फेवरेट है। तो चलो गाइस खाते हैं लंच और फिर मिलते हैं आपको लंच खाने के बाद। ये देखो ज्योति मैडम को, ये अपना तैयार शियार होके बैठी है साड़ी पहन के। अभी है ना हम छत के ऊपर गए थे इंस्टाग्राम पे रील बनाने, तो अभी इसने ना अपने गले का सेट वगैरह उतार दिया और अभी हमने यूट्यूब पे भी डाली है रील, वो आप देख लेना। मेरा इंस्टाग्राम पे जो चैनल है ना आरजे के एक्सप्लोरर के नाम से ही है। मेरा मन था ना इस पे डालने का रील। अच्छा तेरा मन था इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के रील डालने का है ना। सो गाइस देख लेना इंस्टाग्राम पे जाके, फॉलो कर लेना हमें, आरजे के एक्सप्लोरर के नाम से है हमारा इंस्टाग्राम का चैनल। आज पता क्या, आज वैलेंटाइन डे स्पेशल है ना, तो इस मारे हमने रील बनाई है। और ज्योति ने तो पहनी है ब्लैक साड़ी और मुझे ही ब्लैक कपड़े पहना दिए ज्योति ने, कि आप भी यही पहनो फिर रील बनाएंगे। तो अभी रील बना के आए हैं इस ऊपर छत पे। अभी का सीन ऐसा है, इंस्टाग्राम पे तो हमने रील शील बना ली थी जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था। अभी ना हम क्रिश के लिए ड्रेस लेने आए हैं, जैसे कि आपको पता ही है कल हमने विशाल मेगा मार्ट से ले ली थी, जो कल का जो परसों हुआ था ना फंक्शन उसका। और फिर एक और ड्रेस लेनी है इसके लिए, तो वो सिलेक्ट करने आया अभी हम यहाँ पे करोल बाग मार्केट में। सो गाइस इस शॉप पे तो ड्रेस कोई पसंद नहीं आई, अब दूसरी शॉप पे चल रहे भैया दिखाने ले आ रहे हैं। तो वही देख रहे हैं क्रिश के लिए कोई ड्रेस वगैरह देख रहे हैं, कोई समझ आती है तो, क्योंकि एक ड्रेस तो मैंने पहले दिला दी थी इसको और अभी ये दूसरा फंक्शन में भी डालनी है ना। हमें ना इसको पार्टी वेयर नहीं दिला रहे ड्रेस, क्योंकि पता क्या इसका ना साइज फिर छोटा हो जाता है 5-6 महीने बाद ही। पहले हमने इसको दिलाया था ना, जो पहले ड्रेस दिलाई थी ना हमने क्रिश को, वो 5-6 महीने में ही छोटी हो गई थी। तो इस मारे हम इसको पार्टी वेयर ड्रेस नहीं दिला रहे, क्योंकि है ना वो काफ़ी ज़्यादा फिर कॉस्टली भी होती है और फिर ये पहन भी नहीं सकता। एक बार ही पहनेगा या तो कोई पार्टी होगी जब ही पहनेगा। तो इस मारे है ना मैं इसको पार्टी वेयर ड्रेस नहीं दिला रहे, हम नॉर्मल ड्रेस दिला रहे जो कि ये रोज डेली बेस में भी पहन सके। वही देखने जा रहे हैं हम क्रिश की ड्रेस, अब भैया लेके जा रहे हैं हमें आगे आगे, भैया जा रहे हैं और हम पीछे पीछे जा रहे हैं। अभी शॉप पे तो मिली नहीं है जीन्स क्रिश के लिए, अभी जीन्स नहीं ले रहे पहले, फिर भैया कह रहे हैं स्वेटशर्ट आएगा, स्वेटशर्ट दिखाता हूँ। अभी क्रिश के लिए ये वाला स्वेटशर्ट सिलेक्ट कर लिया हमने, अभी ये वाला क्रिश के लिए ले लिया। सो गाइस क्रिश के लिए तो स्वेटशर्ट ले लिया और ज्योति सही मिल गया ना शॉप पे, एकदम फर्स्ट क्लास स्वेटशर्ट मिल गए क्रिश के लिए। और एक स्वेटशर्ट नहीं लिया हमने, एक और ले लिया, दो स्वेटशर्ट ले लिए क्रिश के लिए। और है ना अब जींस लेनी है, तो जींस देखने जाएंगे अब क्रिश के लिए। ज्योति मैडम अपना लग चुकी है, इसको तो इसकी शॉपिंग हो गई है पर इसने भी कोई कमी नहीं छोड़नी अपनी। और अब पता नहीं क्या देख रही है, क्या देख रही है ज्योति? स्टॉल। ज्योति ने लिया नहीं अपने लिए स्टॉल, एक मैंने जैसी वीडियो बनाई ना तो इसने क्या
हाँ, मैंने जैसे वीडियो बनाई ना तो ये नर्वसी हो गई है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसके लिए इसके पास ऑलरेडी पहले से है ही कपड़े, तो नर्वस हो गई, तो इस हमारे इसने स्टॉल वहीं पे छोड़ दिया। मार्केट में घूमते घूमते यार आपको तो पता ही है मैं आइसक्रीम का कितना शौकीन हूँ, और मैकडी पे आ गया हूँ आइसक्रीम खाने के लिए, और ये मैकडी पड़ गया था बीच में। अब इसकी खाता है आइसक्रीम, इंजॉय करता है, तो फिर ढूंढते हैं क्रिश के लिए जीन्स। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैं मैकडोनल्ड से लाया हूँ आइसक्रीम, और ज्योति इतना ज़्यादा गुस्सा हो रही है, क्यों? क्योंकि है ना क्रिश का हो रहा गला ख़राब, और मैंने इसको भी खिला दिया आइसक्रीम, इस मारे हो रही है ज्योति गुस्सा। कोई बात नहीं, खा रहे, मैं वैसे तेरे लिए लेके आया था, अब क्रिश कहने लगा मेरे को खानी है, तो कोई बात नहीं अब खाने दे। वैसे सुबह से आइसक्रीम मांग रही है। हाँ ये तो है, सुबह से मांग रहा था। मैं इसको डांट के लाई थी रुक के। चलो कोई नहीं, देखी जाएगी, खाने दो। ये देखो रात के बज चुके हैं 9, और फिर भी देखो क्राउड कितना हो रहा है करोल बाग के अंदर। क्यों क्राउड हो रहा है? इस मारे हो रहा है ना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस में करोल बाग में क्लोथ्स मिलते हैं, जैसे कि मैं बताते ही रहता हूँ आपको, और मैंने ब्लॉग भी बना रखे हैं। तो गाइस जब भी आपको क्लोथ्स वगैरह लेने हो ना, तो करोल बाग आके ज़रूर परचेजिंग करें, और यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में क्लोथ्स वगैरह मिल जाएंगे। और गाइस आइसक्रीम खाने के बाद अब ज्योति मैडम को लेना है पर्स, तब ये पर्स लेने लगी है अपना। ज्योति तेरे पास है ना पर्स, वो वाइट वाला, फिर भी लेना है इसको अभी दिलाना। पार्टी वेयर तो पार्टी वेयर नहीं। तो गाइज इसको अभी भी मैंने एक पर्स दिलाया है, अब इसको और एक चाहिए पर्स, और यहाँ आ गई है कफार मार्केट ये पर्स लेने, और यहाँ पे रुक चुकी है, और ये वाला पर्स इनने सेलेक्ट करा, तो ये वाला पर्स ले लिया गाइज। यार गाइज जो बात है ना, यहाँ पे पर्स एक से एक है, और ज्योति ने ना ऐसा पर्स सेलेक्ट करा अपने लिए, पर्स एक से एक है गाइज, है ना ज्योति? कितना अच्छा है ना पर्स यहाँ के। और गाइज आपको तो पता ही है घर के अंदर शादी चल रही है ना, तो हमारे शॉपिंग चल रही है ये, तो क्योंकि है ना कल की बारात है चाचा जी की बेटी की ना, तो उसमें ज्योति ने पहनना अपनी ड्रेस के ऊपर ना ये पर्स, तो हमारे ज्योति ने ये पर्स लिया है। पैंट वगैरह तो हमने ले ली थी, अब यहाँ पे आ चुके हम रेगड़पुरा, यह है किशन का एड्रेस, किशन का एड्रेस पे आ चुके हैं भाई, क्योंकि है ना मेरे को खाने थे गोलगप्पे, और आपको पता है मैं मार्केट में आता हूँ, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि गोलगप्पे ना खाऊँ, तो भाई मैं तो खा रहा हूँ अपने गोलगप्पे, और क्रिश ने खा लिए अपने गोलगप्पे। क्रिश तूने खा लिए ना अपने? खा लिए ना तूने अपने? क्रिश ने तो खा लिए अपने गोलगप्पे, और मैं खा रहा हूँ। ज्योति ने तो खाया नहीं है गोलगप्पे, मैंने खाया क्योंकि मेरे है फेवरेट गोलगप्पे, और क्रिश ने भी खा लिए। और ज्योति को पता क्या खाना है? ज्योति को खाना है मलाई चाप। मलाई चाप, तो ज्योति ने अपना ऑर्डर कर दिया मलाई चाप का। हाँ खाएंगे तो हम तीनों, पर फरमाइश तो तेरी है ना। तो गाइस ज्योति को तो मलाई चाप खाना, वो ऑर्डर कर दिया। और पता है क्या, मैं आपको दिखाता हूँ भाई, एक नंबर का है किशन का एड्रेस, बहुत टेस्टी खाना होता है इसका, मैं एक बार ही दिखा देता हूँ आपको। गाइस ये है किशन का एड्रेस, ये रेगड़पुरा के अंदर है, और इसका मेन्यू भी देख लो भाई साहब, बहुत रिजनेबल प्राइस है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी कैटरिंग है इसकी। गाइस इसका पास से दिखा देता हूँ मैं आपको मेन्यू, ये देख लो एक बार, अगर आपको आना है ना यहाँ पे रेगड़पुरा, तो ये खा लेना आके भाई साहब, एक नंबर का खाना है इसका, एक नंबर की कैटरिंग है। तो आ गई है ज्योति की मलाई चाप, और चटनी प्याज खा दी है ज्योति डबल, और है ना मलाई चाप आ गई, और ये घर चल के खाएंगे। भाई शॉपिंग करके घर पर आ गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर ली है, और भाई साहब बहुत ज़्यादा ना थकावट भी हो रही है मेरी, पर फिर भी यार क्या करूँ, शॉपिंग करने के लिए गया, पता दोपहर को ही मेरे को थोड़ी नींद सी आ रही थी, पर मैं सोया नहीं यार, अगर सो जाता ना मेरा काम खराब हो जाता, मेरा काम नहीं ज्योति का काम खराब हो जाता, क्योंकि है ना ज्योति को अपनी पार्लर वाली भी बुक करनी थी, तो अगर मैं सो जाता ना तो उसका पार्लर का काम भी रुक जाता, और हो नहीं पाता बुकिंग उसकी, क्योंकि है ना कल इसको जाना पार्लर वाली के पास तैयार होके आना, क्योंकि कल की है ना शादी सिस्टर की, तो ज्योति वहीं जाएगी और पार्लर में तैयार होके आएगी। और हमने क्रिश के लिए भी पैंट ले ली थी, पर पता कि जिस शॉप पे से हमने पैंट लिया ना क्रिश के लिए, यार उस बंदे ने ना मैं वीडियो बनाने नहीं दी, तो इस मारे मैंने क्रिश के ना ब्लॉग के अंदर डाली नहीं कि हमने कहाँ से जींस लिया क्रिश के लिए। पता क्या, कोई कोई शॉप होती है कि है ना उनको एतराज होता है वीडियो वगैरह शूट करने के लिए, तो इस मारे मैंने भी जोर नहीं डाला कि भैया मेरे को बना दो, कि मेरा अपना रात का डिनर भी हो चुका है रेडी, ये चटनी प्याज है, और ये दोपहर को जो सब्जी बनाई थी वही है आलू का साग, और ये मलाई चाप है जो हमने किशन कैटरर्स से लिया, भाई साहब एक नंबर की होती है इसकी मलाई चाप, एक नंबर की। और ये देखो फर्क देखो, मेरे में कितनी सी है, और ज्योति की प्लेट में देखो कितनी सारी है। नहीं नहीं मेरे साथ टिन्नी भी खाएगा ना। अच्छा टिन्नी भी खाएगा, अच्छा टिन्नी की भी है। गाइस अब रात का डिनर करते हैं इंजॉय, और मिलते हैं डिनर करने के बाद।
डिनर शिनर तो हो गया, काफी ज्यादा टेस्टी था गाइस डिनर। और मलाई चाप है ना यार, एक नंबर की मलाई चाप थी किशन कैटरेस की। और जब ज्योति ने सब्जी बनाई थी आलू साग की, भाई साहब उसका तो जवाब ही नहीं। और गाइस अब बज चुके हैं रात के 12:30, और यहीं पर करता हूँ वीडियो का एंड। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।